हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। जो हमारा एक स्टेट गवर्नमेंट का सीरीज चल रहा है, उसके अंडर हमने ऑलरेडी पास्ट वीडियोस में हमारे गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है, इस पर हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो राज्य के मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिमंडल होते हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उनसे जुड़े जो भी संवैधानिक प्रावधान है, उनके अपॉइंटमेंट से जुड़े, उनके ओथ, सैलरी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपोजिशन, कैबिनेट जो होते हैं, कैबिनेट के कमिटीज होते हैं, तो ये सारी बातें आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले अगर हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, ये जो है, दे आर कंपेरेबल टू दैट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, उनके साथ कंप्लीटली हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इनसे जुड़ी क्या क्या प्रोविजन जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। As the Constitution of India provides for a parliamentary system of government in the states, the Council of Ministers headed by the Chief Minister is a real executive authority in the state. जैसे कि हमने ये पता है कि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर चैप्टर में हम ये पढ़े थे, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं वो है हमारे रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, क्योंकि जो भी सारे डिसीजंस होते हैं वही लेते हैं और उनके थ्रू चीफ मिनिस्टर को बताते हैं और चीफ मिनिस्टर फाइनली एग्जीक्यूट्स देम इन द नेम ऑफ द गवर्नर। ओके, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट अगर देखें, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शंस इन द सेम वे एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, हमारे राज्य के मंत्रिमंडल होते हैं, दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ द जो हमारे केंद्र के यानी कि सेंटर के मंत्रिमंडल होते हैं उनके साथ सिमिलर होते हैं। ओके, उनके जो कंपोजिशन होता है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका जो फंक्शनिंग होता है, सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हम जानते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के जो प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल, गवर्नर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इनफैक्ट, उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ क्लियरली मैंशन नहीं है। बट दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें कि एक ब्रॉडर सेंस में, एक जनरल सेंस में सब कुछ मैंशन किया गया है। ओके, वो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 163 एंड 164। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या मैंशन किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, आर्टिकल 163 डील्स विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्रिपरिषद है, उनके जो स्टेटस के बारे में, उनके पोस्ट्स के बारे में डील करता है आर्टिकल 163। वाइल आर्टिकल 164 जो है, इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये जो सारी अदर प्रोविजंस हैं, इनसे रिगार्डिंग हम आर्टिकल 163 में जान सकते हैं रिगार्डिंग द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, मूविंग अहेड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि जो संवैधानिक प्रावधान है रिलेटेड टू हमारे जो मंत्रिपरिषद है, उनसे जुड़ी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है, देखते हैं एक एक करके। देखिए, आर्टिकल 163 जैसे कि हमने देखा, इसमें जो है द पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बिंग मैंसनड। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है ये जो आर्टिकल, ये जो अनुच्छेद होता है, ये क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी एड एंड एडवाइस गवर्नर। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, मंत्रिपरिषद रहेंगे राज्य के, वो हमारे राज्यपाल को एडवाइस देंगे, उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, हमारे जो गवर्नर उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ये हम ऑलरेडी पास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, फिर भी देखते हैं, एक ओवरऑल आइडिया, एक रिविजन हो जाएगा आपका। दरअसल भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इज द हेड। जैसे कि हम पता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनके हेड हमारे सीएम होंगे। ओके, वो पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे। एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। जो भी फंक्शनिंग किया जाएगा वो गवर्नर के नाम पे ही किया जाएगा और उन्हें जो भी एडवाइस देंगे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर बीइंग हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेंगे। एक्सेप्ट इन सो फार ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस एंड हिज डिस्क्रिप्शन। एक्सेप्ट उनका जो डिस्क्रिशनरी पावर के केस में उन्हें कोई एडवाइस नहीं चाहिए होता या फिर ये किसी की एडवाइस नहीं लेंगे। ओके, अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर का, उस केस में वो खुद से ही डिसीजन लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस व्हेन अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर डिस्क्रिप्शन शैल ऑर नॉट। ये देखिए, जो हमने बात की जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ओके, उसकी अगर हम बात कंसीडर करें कि जो कौन से केस में गवर्नर अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करेंगे, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और उसके ऊपर हम कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी कि उसके ऊपर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या फिर कोई कोर्ट में उसके ऊपर केस आप नहीं चला सकते रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। ये उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि किस केस में उन्हें एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एडवाइस टेंडेड बाई मिनिस्टर्स टू द गवर्नमेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड एनी कोर्ट। तो जो भी, एक और बात याद रखिए, जो भी एडवाइस हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे गवर्नर को, ओके, जिनके एडवाइस पे गवर्नर हमारे काम करेंगे, इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आप रेज नहीं कर सकते या फिर इसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में। ये बात जरूर याद रखिए। ओके, आगे देखते हैं।
अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, जैसे कि आर्टिकल 164 पे मेंशन है और कुछ और भी प्रावधान है रिगार्डिंग द मिनिस्टर्स, उसके बारे में देते हैं डिटेल्स। तो पहला जो है, तो चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और जो बाकी के मिनिस्टर्स होंगे, अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बाकी के जो मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल के, वो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर हमारे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ओके, हाउएवर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा, ये जो चार स्टेट्स हैं इनके ऊपर भी हमने ये प्रोविजन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, देयर शैल बी ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अ ट्राइबल वेलफेयर, एक ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर्स होंगे, हु मे इन एडिशनल बी चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, जिनके ऊपर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का चार्ज भी दिया जा सकता है। ओके, उन्हें भी अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, जो भी टोटल मिनिस्ट्रीज होंगे ओके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज में, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ये जो है 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो असेंबली का स्ट्रेंथ है ओके उससे उसके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जो लोअर लिमिट है वो 12 है, मिनिमम 12 मेंबर्स यानी कि 12 मिनिस्टर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का। ओके, और ये जो प्रोविजन है इट वॉज एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, तो ये 2003 में ये प्रावधान एड किया गया था संविधान में। ओके, ये याद जरूर रखें, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, a member of either house of state legislature belonging to any political party who is disqualified on the grounds of defection shall also be disqualified as the appointment as a minister। dekhiye agar koi member डिफेक्शन के केस में या फिर डिफेक्शन के ग्राउंड्स में डिस्क्वालीफाई हो जाता है ओके स्टेट लेजिस्लेचर से, वो हम डिफेक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जबकि मेंबर अपने पार्टी के अगेंस्ट जाता है ओके देन इन दैट केस डिफेक्शन रूल के अगेंस्ट उसे पार्टी से हटाया भी जा सकता है। तो अगर वो उसी केस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो अगर वो मिनिस्टर्स भी हैं तो वो जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से भी वो हटा दिए जाएंगे। ओके, ही विल नॉट बी और यू कैन से ही कैन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर एज वेल। ये भी जो प्रोविजन था ये भी 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आया था। नेक्स्ट, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जो हमारे गवर्नर होंगे उनकी वो जब तक चाहेंगे तभी तक ये अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये अपना मेजोरिटी लूज कर देते हैं हाउस में लेजिस्लेटिव में, देन उसी दौरान जो हमारे गवर्नर होंगे ये इन्हें हटा भी सकते हैं उनके पोस्ट से। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ये जरूर याद रखें, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके लिए इनका कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। सिमिलरली द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर द ओथ्स ऑफ ऑफिस इन सीक्रेसी टू द मिनिस्टर, जो ये ओथ लेंगे उसको ये एडमिनिस्टर करेंगे हमारे गवर्नर। ओके, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, जो भी जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनके रिगार्डिंग जो भी ओथ होंगे वो हमारे गवर्नर एडमिनिस्टर करवाएंगे। सिमिलरली ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि अगर कोई मिनिस्टर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है स्टिल देन उन्हें मिनिस्ट्री दिया गया है यानी कि वो एक मिनिस्टर बने हैं, तो वो मैक्सिमम 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक ये पोजिशन होल्ड कर सकते हैं, एंड उसी के अंदर इन्हें मिनिस्टर यानी कि जो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर बनना पड़ेगा। ओके, और एल्स ही विल बी डिस्क्वालीफाइड और ही विल नॉट बिकम द मिनिस्टर्स एनीमोर। ओके, 6 महीने के अंदर उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर होंगे ये सारे जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं मिनिस्टर्स के ये वो डिटरमाइन करेंगे, ये याद रखिए। ओके, तो ये जो है आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग सारे प्रोविजंस हैं। ओके, आगे फिर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 166, एक और आर्टिकल जिसके अकॉर्डिंग कुछ और भी बातें बताई गई हैं रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ऑफ अ स्टेट, जो स्टेट के गवर्नमेंट होती हैं उनके बिजनेस यानी कि उनके जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो किस तरह कंडक्ट किए जाते हैं उसके बारे में कुछ प्रोविजंस हैं, एक एक करके डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, ये ऑलरेडी हमने अभी अभी बात की कि जो भी सारे प्रोसीडिंग्स या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए जाएंगे वो सारे जो हैं गवर्नर के नाम पे ही किए जाएंगे, उनके नाम के अकॉर्डिंग किया जाएगा बाय द एग्जीक्यूटिव। ओके, नेक्स्ट जो है ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द गवर्नर शैल बी ऑथेंटिकेटेड, ये जो सारे एक्शंस लिए जाएंगे ये ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए यानी कि गवर्नर को इन्फॉर्म करके किया जाना चाहिए, एंड जो भी रूल्स ये स्पेसिफाई करेंगे गवर्नर जो भी रूल्स स्पेसिफाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग सारी प्रोसीडिंग्स होने चाहिए, ये सारे एक्शंस लिए जाने चाहिए। फर्दर, द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विच इज सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज नॉट एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नर, तो गवर्नर के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग्स या फिर ऑर्डर्स इंस्ट्रूमेंट्स उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, और ये जो इस बेसिस के ऊपर की
ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है ये गवर्नर ने इशू किया है कि नहीं, तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। सिमिलरली द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, ताकि इजिली सारे ट्रांजेक्शन बन सके, ओके जो भी एक्शंस हैं जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो इजिली हो सके, इसके लिए गवर्नर रूल्स बनाएंगे ओके कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए। एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस इन सो फार एज इट इज नॉट द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, ओके तो इसके ऊपर गवर्नर खुद अपना रूल्स बना सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 166 में मेंशन किया गया है। ओके आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 167 में जो है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ओके जैसे कि हम पता है जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो भी काउंसिल का एक पार्ट है, क्योंकि वो काउंसिल के हेड होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेसिकली हेड होते हैं, तो इसी वजह से आर्टिकल 167 भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें जो चीफ मिनिस्टर्स के ड्यूटीज हैं इन रिगार्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखते हैं, पहला जो है ये कम्युनिकेट करेंगे गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनके बीच, ओके तो ये कम्युनिकेशन मीडिया की तरह काम करते हैं। इनके जो जो भी डिसीजंस ले जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काउंसिल के द्वारा, वो सारी बातें ये पहुंचाएंगे अप टू द गवर्नर, ओके तो ये एज एन कम्युनिकेशन लिंक काम करते हैं। सिमिलरली टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द गवर्नर मे कॉल फॉर, जब भी गवर्नर को चाहिए होगा तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और जो भी सारे लेजिस्लेशन के प्रपोजल्स हैं ओके प्रोविजन हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन गवर्नर तक पहुंचाने का जो ड्यूटी है वो चीफ मिनिस्टर का होता है, ओके याद रखिए। नेक्स्ट, इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, देखिए ये भी ऑलरेडी हमने पास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए कि जो जब कभी भी कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे काउंसिल तक पहुंचाने के लिए, काउंसिल के कंसिडरेशन के लिए भेजने का जो ऑर्डर है या फिर जो एक्शन है वो हमारे गवर्नर ले सकते हैं, ओके और वो उनके अकॉर्डिंग जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं ये पेश करेंगे वो पर्टिकुलर डिसीजन को, पर्टिकुलर जो एक्शन है या फिर पॉलिसी है उसे काउंसिल के कंसिडरेशन के लिए वापस प्रेजेंट किया जाएगा, ओके ऑन द रिकमेंडेशन और ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 167 राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट टू द हाउस, तो राइट मिनिस्टर्स जो होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके क्या क्या राइट्स होते हैं अगर हाउस के कंपैरिजन हाउस के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये सारी बातें जो है आर्टिकल 167 में मेंशन किए गए हैं। देखते हैं, पहला जो देखिए, एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली, तो असेंबली में हर एक मिनिस्टर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए और बोलने की इजाजत है, पावर है। एंड ऑल्सो द काउंसिल वेर इट एग्जिस्ट, अगर किसी कोई बाइकैमरल स्टेट है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, उस केस में जो सेकेंड हाउस है उसमें भी उन्हें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं और प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑन एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही नेम्ड ए मेंबर, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी कमिटीज हो जिसके वो मेंबर हैं उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे मिनिस्टर्स। आगे बढ़ते हैं। बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट, एक डिफरेंस है कि ये पार्टिसिपेट जरूर करेंगे लेकिन ये वोट उसी हाउस में ही करेंगे या फिर उसी कमिटीज के प्रोसीडिंग्स में ही करेंगे जिसके ये मेंबर हैं, ओके दूसरे हाउस में वो नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे उसका नेचर क्या होगा, किस टाइप का होगा, उसके ऊपर एक एनालिसिस देखते हैं। आर्टिकल 163 वर्ड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जैसे कि हम पता है विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड, तो ये जो है अपना एडवाइस देंगे किसे, गवर्नर को, ओके और उसी के अकॉर्डिंग हमारे गवर्नर काम करेंगे, ये तो हम पता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, इन 1971 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइस द गवर्नर इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये जो 1971 में ये जो प्रोविजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे वो हमेशा एडवाइस करेंगे गवर्नर के लिए, ओके आफ्टर द इवन द स्टेट लेजिस्लेचर और आफ्टर इवन द असेंबली इज डिसॉल्व, अगर असेंबली डिसॉल्व भी हो जाता है इन दैट केस जो एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे वो एडवाइस करेंगे टू द गवर्नर, ओके तो ये बात जरूरी याद रखें 1971 का ये डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। हेंस द एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री में कंटिन्यू इन द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स सेफ, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अगर कोई असेंबली डिसॉल्व भी हो जाते तो नई असेंबली बनने तक या फिर नए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने तक ये अपना मिनिस्ट्री होल्ड करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे अंटिल देयर सक्सेसर अज्यूम्स सेफ, तो ये बात जरूर याद रखें क्योंकि इनके एडवाइस के ऊपर ही गवर्नर का एक्शन चलता है या फिर गवर्नर फंक्शनिंग करते हैं, तो ये इनका रहना बहुत जरूरी होता है, ओके जब तक इनके सक्सेशन नहीं आ जाते ये अपना पोस्ट या फिर अपना मिनिस्ट्री नहीं छोड़ते। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ एडवाइस के रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अगेन इन 1974 में एक और बात कही गई थी कि द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट एक्सेप्ट इन स्पीयर्स फॉर गवर्नर इज टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन द गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स एंड फंक्शंस। 94 में एक और बार ये क्लैरिफाई किया गया कि जो हमारे गवर्नर हैं
उनके डिस्क्रिशनरी पावर के अलावा बाकी जो भी एक्शंस बाकी जो भी फंक्शनिंग करेंगे ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, ये बात कंफर्म कर दी गई वापस से। फिर ही इज नॉट अलाउड टू एक्ट पर्सनली विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अगेंस्ट देयर एड एंड एडवाइस। तो ये अपना पर्सनल डिसीजन नहीं ले सकते कहीं पे भी। ओके, और ये उनके एडवाइस से के हिसाब से ही काम करेंगे, उनके अगेंस्ट में भी नहीं जा सकते। ओके, ये जरूर याद रखें। वेर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर, द सेटिस्फैक्शन इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर बट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कहीं पे भी अगर किसी भी प्रोविजन में ये लिखा गया है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर या फिर प्लेजर ऑफ द गवर्नर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सेटिस्फैक्शन। ओके, इट इज नॉट सोलली ऑन द गवर्नर, गवर्नर का ना सिर्फ नाम दिया जाता है और जो सेटिस्फैक्शन की बात की जाती है वो दैट इज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, हेडेड बाय द सीएम। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है किस तरह की अपॉइंटमेंट होती है इसके बारे में देखते हैं। द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये हम जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे, उनके रिकमेंडेशन पे ये पर्टिकुलर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, दिस मीन्स द गवर्नर कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। यानी कि जिन जिनका नाम रिकमेंड किया जाएगा सिर्फ उन्हें ही अपॉइंट किया जा सकता है एज डिफरेंट मिनिस्टर्स। बट देर शुड बी ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। ये हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि जो छत्तीसगढ़ एंड झारखंड मध्य प्रदेश ओडिशा है इन स्टेट्स में क्या होता है, एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी रहते हैं। ओके, जिन्हें कि हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ऑरिजिनली दिस प्रोविजन वॉज एप्लीकेबल टू बिहार। ये जो है बिहार और मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, ये तीन स्टेट्स के लिए ही स्टार्टिंग में यानी कि एप्लीकेबल था। ओके, बाद में इसे चेंज कर दिया गया। द 94th अमेंडमेंट जो आया 2006 में, इट फ्रीड बिहार फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस ऑफ हैविंग ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स। ओके, 94th अमेंडमेंट 2006, ये जरूर याद रखें। इसके अकॉर्डिंग जो है बिहार को फ्री कर दिया गया था फ्रॉम हैविंग ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स एज देर वर नो शेड्यूल एरियाज इन बिहार एंड ऑल्सो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल। क्योंकि बिहार का जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है और जो शेड्यूल एरिया वो बहुत कम था, इसी वजह से इन्हें इस प्रोविजन से बाहर कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, द सेम अमेंडमेंट ऑल्सो एक्सटेंडेड द अबव प्रोविजंस टू न्यूली फॉर्म स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। साथ ही साथ जो है ये 94th अमेंडमेंट में ये बाकी के दो स्टेट्स जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन्हें भी इसी प्रोविजन के अंदर रख दिया गया, इसी प्रोविजन के अंदर रख दिया गया। ओके, आगे देखिए, यूजुअली द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आइदर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। जो भी नॉर्मली अभी हमने जैसे देखा कि अगर आप मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के फिर भी आप मिनिस्टर्स बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो कंडीशन होता है जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ही अपॉइंट किया जाता है। ओके, आइदर आप असेंबली के मेंबर हो सकते हैं या फिर अगर एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर है देन इन दैट केस यू कैन ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर्स हैं तभी भी आपको मिनिस्टर के हिसाब से अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं। ओके, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर एज वी ऑल नो, बट विद इन ए सिक्स मंथ्स ही हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ द हाउस, अदरवाइज ही विल नॉट बी द मिनिस्टर एनी मोर। ये हम जानते हैं। नेक्स्ट, ए मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस। एक हाउस के अगर कोई मिनिस्टर हैं तो वो दूसरे हाउस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट ही कैन नॉट वोट इन द अदर हाउस। यानी कि ये जिस हाउस के ही मेंबर हैं उसी हाउस में ही ये अपना वोट डाल सकते हैं, दूसरे हाउस में नहीं कर सकते। आगे, ओथ एंड सैलरी ऑफ द मिनिस्टर। ओथ एंड सैलरी के बारे में कुछ प्रोविजंस हैं, देखते हैं। द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू ए मिनिस्टर। ये जैसे कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, जो हमारे गवर्नर हैं ये एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी जो भी सारे मिनिस्टर्स होंगे उनके। ओके, तो ये अपना ओथ में क्या लेते हैं, देखिए, ये जो सिमिलर टू दैट एज ऑफ हमारे सीएम। ओके, कि ये जो हमारे संविधान के प्रति निष्ठा और विश्वास जताएंगे, फिर ये अपना जो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को बरकरार रखेंगे इंडिया का, फिर उस साथ ही साथ जो अपने फेथफुली और कॉन्शियसली अपना ड्यूटी करेंगे बिना कोई फियर बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई अफेक्शन के, फेवर किसी को नहीं करेंगे या फिर सबके प्रति न्यूट्रल रहेंगे। तो ये जो सारी डिफरेंट प्रोविजंस हैं इसके ऊपर ये अपना ओथ लेते हैं। साथ ही साथ जो है अपना ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं। इन हिज ओथ ऑफ सीक्रेसी द मिनिस्टर स्वेयर्स दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर दैट इज वॉट अंडर हिज कॉन्स्टिट्यूशन और बिकम्स नोन टू हिम एज ए स्टेट मिनिस्टर। तो ये प्रोविजन जो है हमने चीफ मिनिस्टर के केस में भी, साथ ही साथ जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमारे प्राइम मिनिस्टर के केस में भी देखा था। तो ये सिमिलर है इन सारे ऑफिसेज के लिए। ओके, नेक्स्ट, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी सारी सैलरीज अलाउंसेज होंगे ये अपने स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेंगे। साथ ही साथ इनके इन्हें जो है द मिनिस्टर्स के द सैलरी, इन्हें जो सैलरी मिलता है दैट इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी हमारे एमएलए होते हैं उनके हिसाब से इनका सैलरी मिलता है। ओके, उनको जितना मिलता है उन्हें भी इतना मिलता है, लेकिन इनके इनको जो है
सैलरी अलाउंसेस के अलावा कुछ सब्सिडियरी अलाउंसेस भी मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। ओके, जिस किसी पर्टिकुलर रैंक में वो होंगे हमारे मिनिस्टर्स, उनके रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दिए जाते हैं, ये जरूर याद रखना। आगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये इनका क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है ये हम डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला जो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स के जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अभी हमने देखा कि कलेक्टिवली दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, तो उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस हिसाब से देखते हैं। आर्टिकल 164 क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी भी राज्य के उसके लिए ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। All ministers own joint responsibility to the legislative assembly for their acts and acts of omissions and commissions, जो भी ये introduce करेंगे, जो भी ये लाएंगे या फिर जो भी omit करेंगे, बाहर करेंगे, निकालेंगे, okay, या फिर कुछ introduction करते हैं या फिर कुछ removal करते हैं, तो उसके लिए ये completely responsible हैं to the state legislative assembly। They work as a team and swim and sink together, तो ये जो है सारे council of ministers एक team की तरह काम करते हैं, okay, और अगर तैरेंगे आगे बढ़ेंगे तो साथ में, अगर डूबेंगे तो साथ में ही डूबेंगे सबके साथ। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो उस केस में क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें रिजाइन देना पड़ता है, अगर ये रिजाइन नहीं देते तो इन्हें निकाला भी जा सकता है। देन ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के भी कुछ मेंबर्स हैं जो कि मिनिस्टर्स बने हैं उन्हें भी रिजाइन देना पड़ता है अपने मिनिस्ट्री से। ओके, तो ये है एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, अल्टरनेटिवली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड्स दैट हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट व्यू ऑफ इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन। और एक क्या हो सकता है, कलेक्टिवली ये जो है गवर्नर को एडवाइज कर सकते हैं अपना जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे डिसॉल्व करने के लिए, ओके, और फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। ओके, ये भी एक केस बन सकता है। आगे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में और क्या है, देखिए द गवर्नर मे नॉट ऑब्लिग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो चुकी है, ओके, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उन्हें ये निकाल सकते हैं या फिर अपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसे वो डिसॉल्व कर सकती हैं। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट द कैबिनेट डिसीजन बाइंड्स ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफर इन द कैबिनेट मीटिंग। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जब भी हम कहते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि जो भी डिसीजन होगा काउंसिल का वो फाइनल होगा, सबके ऊपर लागू होगा। ओके, सो इट बाइंड्स ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, जो भी सारे मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग द कैबिनेट मिनिस्टर्स सबके ऊपर ये बाइंडिंग रहता है और ये जो अपना डिसीजन डिफर नहीं कर सकते, इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं होना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय द कैबिनेट डिसीजन एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर, तो ये फर्ज बनता है किसी भी मिनिस्टर का कि जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको ये सपोर्ट करें, ओके, इवन विद इन और आउटसाइड द लेजिस्लेचर। इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री, अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है या फिर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, देन इन दैट केस ही मस्ट रिजाइन, उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। अगर वो रिजाइन देने से भी इनकार करते हैं देन इन दैट केस हमारे जो सीएम है वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को उन्हें रिमूव करने के लिए, उन्हें निकाल दिया जा सकता है, ओके, फ्रॉम द मिनिस्ट्री। तो नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होते हैं इनका। जो हमारा आर्टिकल 164 है इट स्टेट्स दैट द मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अभी हमने जैसे कि देखा जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक ये अपना मिनिस्ट्री होल्ड कर सकते हैं, तो ये जो आर्टिकल 164 है इसके अंडर ये प्रोविजंस आता है। दिस मीन्स दैट द गवर्नर कैन रिमूव ए मिनिस्ट्री एट एनी टाइम, ओके, कोई भी मिनिस्टर को ये कभी भी रिमूव कर सकते हैं व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इवन अगर वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं उसी दौरान भी कोई मिनिस्टर को ये निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। ओके, आगे बट ए गवर्नर कैन डू सो ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को निकाल भी सकते हैं उनके पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से, तो दैट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअली उन्हें रिमूव किया जा सकता है। In case of a difference of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister, the chief minister can ask him to resign or advise the governor to dismiss him. अगर डिफरेंस इज ओपिनियन हो रहा है या फिर कोई dissatisfaction हो रहा है, ओके, चीफ मिनिस्टर को किसी भी मिनिस्टर से रिलेटेड, तो वो उन्हें रिजाइन देने के लिए कहेंगे। अगर वो राजी नहीं है रिजाइन देने के लिए देन इन दैट केस ये एडवाइस करेंगे गवर्नर को और गवर्नर इन्हें डिसमिस कर देंगे। ओके,
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, अगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. ओके, दैट इज एज अ सेंटर देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर इन स्टेट्स. यानी कि देखिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट एट द अदर ऑर्डर ऑफ द गवर्नर फॉर अ पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटरसाइंड बाय अ मिनिस्टर. यानी कि जो भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जाएगा बाय द गवर्नर उसके ऊपर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सिग्नेचर नहीं चाहिए होता है. ओके, तो ये इंडिया में प्रोविजन नहीं है. ये जो होता है ब्रिटेन के केस में ये प्रोविजन आपका है, यानी कि ब्रिटेन के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे उनके पास से लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक प्रोविजन रहता है. मोर एवर द कोर्ट्स आर बैड फ्रॉम इंक्वायरिंग इन टू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर. यानी कि जो कोर्ट्स हैं हमारे, जो भी एडवाइस हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे उसके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं लगा सकती या फिर इंक्वायरी नहीं कर सकती. ओके, तो ये एक इम्यूनिटी है, ये एक एक्सेप्शन है रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जरूर याद रखें. आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं. ओके, क्या कंपोजिशन बनता है उनका. तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर्स. यानी कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान है हमारे उसमें साइज के बारे में या फिर कोई रैंक मिनिस्टर्स के जो रैंक के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है. दे आर डिटरमाइंड बाय द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर खुद डिटरमाइन करेंगे कि कितने मिनिस्टर्स रखना है, बट अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन, जो कि मिनिमम 12 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अंडर रखेंगे ये अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन. ओके, एंड दे आर डिटरमाइंड बाय द चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसी ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. सिचुएशन के रिक्वायरमेंट को देख के उसी के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स रखेंगे. ओके, लाइक एट द सेंटर इन द स्टेट्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ थ्री कैटेगरीज. इनका भी तीन कैटेगरीज होता है, जैसे कि हमने सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी देखा था. ओके, उसी टाइप का स्टेट में भी तीन टाइप के मिनिस्टर्स रहते हैं, नेमली कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डेप्यूटी मिनिस्टर्स. ओके, ये तीन कैटेगरी के मिनिस्टर्स रहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन द रेस्पेक्टिव रैंक्स एमोल्यूमेंट्स एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस. तो इनके बीच का अगर डिफरेंस हम कंसिडर करें किस बेसिस में इन्हें कैटेगराइज किया जाता है, ये अगर हम देखें तो ये जो है इनके रैंक्स के ऊपर डिफर करता है. ओके, साथ ही साथ इनके जो एमोल्यूमेंट्स होते हैं और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो होता है इनका, इसके ऊपर ये डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं. ओके, एट द टॉप ऑफ दिस मिनिस्टर स्टैंड्स द चीफ मिनिस्टर. तो ये सारे काउंसिल मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, इन सबके ऊपर जो होते हैं हेड होते हैं वो है हमारे चीफ मिनिस्टर. ओके, देखिए, द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैड द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लाइक होम मिनिस्टर, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड सो फॉर्थ. यानी कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, मेन मिनिस्ट्रीज जैसे कि होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ये जो सारी मिनिस्ट्रीज होते हैं इन्हें हेड करते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर. तो इनके चार्ज कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं. नहीं, दे आर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, अटेंड देयर मीटिंग एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज. ओके, जो भी डिफरेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट किए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले जाएंगे, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लेते हैं. ओके, वो और उनका खुद का एक मीटिंग रहता है और वही डिसाइड करते हैं सारी पॉलिसीज के ऊपर. सिमिलरली द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैन आइदर भी इंडिपेंडेंट चार्ज और डिपार्टमेंट कैन भी अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स. देखिए, सेकेंड दूसरा कैटेगरी के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स. तो जो हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं उन्हें इंडिपेंडेंट चार्जेस दिए भी जा सकते हैं, साथ ही साथ जो है किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ इन्हें अटैच भी किया जा सकता है. ओके, हाउएवर दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट. लेकिन ये जो होते हैं ये कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते एंड कैबिनेट मीटिंग्स जब भी बुलाए जाएंगे उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अनलेस दे आर स्पेशली इन्वाइटेड. अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है या फिर कोई पॉलिसी बनाना है तो इन दैट केस दे मे कॉल फॉर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो भी होंगे उन्हें ये इन्वाइट कर सकते हैं. अगर ये इन्वाइटेड है देन ही कैन ओनली अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स. ओके, नेक्स्ट इन द रैंक आर डिप्टी मिनिस्टर. उसके बाद जो आते हैं रैंकिंग के हिसाब से डिप्टी मिनिस्टर्स. ओके, दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट. उन्हें कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के. दे आर जस्ट अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स. उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच किया जाता है और ये उन्हें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज. जो भी पार्लियामेंट की ड्यूटीज या फिर पॉलिटिकल ड्यूटीज, जो भी अपना पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो भी वो काम करेंगे उसको ये हेल्प करेंगे हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स. ओके, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग. ये भी जो है कैबिनेट के मेंबर्स नहीं है बिल्कुल भी और ये मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे. एट टाइम्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑल्सो इंक्लूड डिप्टी चीफ मिनिस्टर. कोई अगर सिचुएशन बनता है देख के, अगर वो कोई ड्यू टू लोकल पॉलिटिकल रीजन, ओके, अगर कोई सिचुएशन ऐसा अराइज होता है, जैसे कि हम दिल्ली के केस, दिल्ली का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं वो हमारे सीएम हैं, साथ ही साथ जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो हमारे डिप्टी सीएम हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल रीजंस को देख के आप एक डिप्टी सीएम भी अपॉइंट कर सकते हैं. ओके, तो उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें डिप्टी सीएम भी रखा जा सकता है, एक डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, ये याद रखें. नेक्स्ट है कैबिनेट. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जब भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं कैबिनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके,
नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्मॉलर बॉडी कॉल्ड कैबिनेट, ये नॉर्मली एक छोटा सा बॉडी रहता है ओके, एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो है दिस इज द सेंटर और हम कह सकते हैं कोर है ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द रियल अथॉरिटी ऑफ रियल सेंट्रल ऑफ अथॉरिटी। जो कैबिनेट होता है उसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं और इनके पास ही ज्यादातर पावर रहता है, यही इन्फ्लुएंस करते हैं सारे डिसीजन, सारे पॉलिसीज यही फॉर्मुलेट करते हैं बनाते हैं ओके, तो कह सकते हैं ये है रियल अथॉरिटी ओके। देखिए इनका जो फंक्शनिंग अगर हम देखें, इनका जो पावर्स थे ये क्या क्या करते हैं उसके हिसाब से एक एक करके डिसीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो कैबिनेट होता है वो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो भी सारे डिसीजन होंगे कैबिनेट ही डिसाइड करेंगे इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्टेट्स के अंदर, या इवन इफ सेंटर के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे कैबिनेट होते हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं ओके, सारे पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। सेकेंडली इट इज द चीफ पॉलिसी फॉर्मेटिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो भी सारे पॉलिसीज बनाए जाएंगे कैबिनेट ही डिसाइड करेंगे, कैबिनेट ही बनाएंगे। इट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके एडवाइस के हिसाब से चलता है सब कुछ, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट ओके, तो कैबिनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जरूर याद रखें। इट इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी कोऑर्डिनेशन किए जाएंगे, काम किए जाएंगे, ये कैबिनेट के हिसाब से ही किए जाएंगे। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर, जो भी सारे एडवाइस दिए जाते हैं गवर्नर को रिगार्डिंग एनी मैटर्स और एनी एक्शंस द गवर्नर टेक, वो सारी एडवाइस जो होते हैं वो कैबिनेट की तरफ से ही जाती हैं। इट इज द चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील्स विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशंस, तो जितने भी अगर इमरजेंसी सिचुएशंस होता है या फिर कोई पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो ये जो हैं ये क्राइसिस मैनेजर होते हैं, ये संभालते हैं ओके, ये रेस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। सिमिलरली इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स, जो भी हायर अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज या फिर कोई सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं ओके, जो जिनके एडवाइस के बेसिस पे अपॉइंटमेंट मिलता है ओके, जो हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो सारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं हायर ऑफिशियल्स के उनका यही चयन करते हैं ओके, जिस ऑफिशियल को ये रिकमेंड करेंगे, जिन्हें ये चूज करेंगे उन्हें ही जो अपॉइंटमेंट मिल सकती है ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैबिनेट। लास्टली अगर हम देखें कैबिनेट कमिटीज ओके, तो इसके ऊपर कुछ फ्यू प्रोविजंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं देखते हैं थोड़ा सा। द कैबिनेट वर्क्स थ्रू द वेरियस कमिटीज कॉल्ड कैबिनेट कमिटीज ओके, तो कैबिनेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज सेटअप करके काम करती हैं जिन्हें हम कैबिनेट कमिटीज कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स, नॉर्मली दो तरह के कैबिनेट कमिटीज होते हैं, एक है स्टैंडिंग कमिटीज और एक है एडहॉक कमिटीज, जैसे कि हमने सेंट्रल लेवल पे भी देखा था तो स्टैंडिंग और एडहॉक कमिटीज के बारे में ओके। द फॉर्मर आर परमानेंट वाइल द लेटर आर टेंपरेरी नेचर, तो स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं ये परमानेंट कमिटीज होते हैं, हमेशा रहते हैं, और जो एडहॉक कमिटीज होते हैं ये टेंपरेरी होते हैं, किसी पर्टिकुलर इशू, किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अगर कोई पॉलिसी बनाना हो, डिसीजन लेना हो, तो इन दैट केस ये जो कमिटीज बनाए जाते हैं और काम खत्म होने के बाद इन्हें फिर से डिसॉल्व कर दी जाती है ओके, सो दे आर टेंपरेरी, एडहॉक कमिटीज होते हैं वो टेंपरेरी होते हैं। दे आर सेटअप बाय द चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, तो टाइम के रिक्वायरमेंट या फिर सिचुएशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें चीफ मिनिस्टर के द्वारा बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हैंस देयर नंबर नॉमेनक्लेचर एंड कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कमिटीज होते हैं इनका नंबर नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग जो होता है, उनका कंपोजिशन जो होता है, कौन कौन से मेंबर रहेंगे, ये डिफर करता है, वेरी करता है, क्योंकि ये जो होते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं ओके नॉर्मली, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पर्टिकुलर इतने नंबर होने चाहिए, इसका ऐसा नाम होना चाहिए कि कंपोजिशन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये सारी बातें बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है ओके, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे आर ओनली शॉर्ट ऑफ इशूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैबिनेट बट ऑल्सो टेक डिसीजन, तो ये ना कि सिर्फ इशूज को सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं या फिर कोई प्रपोजल्स फॉर्मुलेट करते हैं, साथ ही साथ ये जो है कैबिनेट के कंसिडरेशन के लिए ये डिसीजन भी लेते हैं ओके, तो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कमिटीज होते हैं ओके, जो भी डिसीजन पॉलिसीज बनाए जाएंगे इनके द्वारा ही किए जाएंगे ओके बेसिकली। हाउएवर द कैबिनेट में रिव्यू देयर डिसीजन, जो हमारे कैबिनेट कमिटीज होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन देंगे और जो कैबिनेट है उन्हें डिफरेंट पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करेंगे, लेकिन ये जो इनका डिसीजन कंपलसरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, कैबिनेट कमिटीज के जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, और अगर जैसे चाहे हमारे कैबिनेट जैसे चाहे उन्हें रिव्यू भी कर सकते हैं ओके, उनके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। सो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स।